My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about work and energy. Work energy, तुम देखा के वो work का formula W equal to Fs, इसी प्रकार से kinetic energy half mv square. अब ये half mv square, इसके आधार पर कुछ concept, कुछ main point है. इसमें देखिए, रिजल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर. ठीक, हाफ एम बी स्क्वायर. अब इसके आधार पर एक मास इज डबल, मास को डबल कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया मास, देन काइनेटिक एनर्जी इज डबल. तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मास को डबल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी. नेक्स्ट, इफ मास इज हाफ, मास को आधा कर दिया जाए, मान लिया यहाँ पर मास को आधा कर दिया जाए, देन काइनेटिक एनर्जी हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, आप समझिए, ये अंडरस्टैंड कर पॉइंट, वेलोसिटी इज इंक्रीज टू टाइम्स, वेलोसिटी को टू टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, टू टाइम्स, देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी इंक्रीज फोर टाइम्स. अब जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है टू टाइम्स जो है इसको बढ़ा दिया जाए, तो टू टाइम्स का मतलब यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा उसका, टू बी स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर टू टू जा कितने हो गए फोर, तो ये काइनेटिक एनर्जी वुड बी इंक्रीज फोर टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोर टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ये. इसी प्रकार से इफ वेलोसिटी इज आर देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी वन फोर, जब काइन ये मतलब जो है यहाँ पर वेलोसिटी को हाफ कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी को जो है जो वेलोसिटी है उसको हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी हाफ करने पर टू का भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, टू टू या फोर, तो वन फोर्थ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इस प्रकार से ये जो है बी स्क्वायर अपॉन फोर्थ, बी स्क्वायर अपॉन फोर्थ. तो इस प्रकार से इफ वेलोसिटी इज हाफ देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी वन फोर्थ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वन फोर्थ हो जाएगी. समझ आ गया, काइनेटिक एनर्जी जो है वन फोर्थ हो जाएगी. तो ये मेन कंसेप्ट है, इनको अच्छे प्रकार से ध्यान, एक एक नंबर पूछे जा सकते हैं, ये जो है एक एक नंबर पर पूछ सकते हैं, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे कि ये मान लो मास डबल कर दिया तो क्या होगा, मास को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, मास क्या है, द्रव्यमान है, इसी वेलोसिटी, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वेलोसिटी को मान लीजिए हाफ कर दिया, हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसी प्रकार से हम जो है निकाल लेंगे ये और अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे. अंडरस्टैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड इट्स मोमेंटम. मोमेंटम, मोमेंट जो है मोमेंटम इक्वल टू एम बी, मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. अब इसका काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है, तो देखें इसमें, देखिए काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, अच्छी प्रकार से जानते हुए हाफ एम बी स्क्वायर. अब इसमें देखिए इस टू को जो है ट्रांसफर कर दिया, जो राइट है लेफ्ट है टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया करके, टू नीचे था उसको उठा के कहाँ पर, यहाँ पर रख दिया, टू के ई इक्वल टू एम बी स्क्वायर. अंडरस्टैंड, टू के ई इक्वल टू एम बी स्क्वायर. मोमेंटम एम बी इक्वल टू एम बी. अब इसमें आने के टू एम, अब यहाँ पर देखिए एम, अब इसको स्क्वायर करने के लिए हमको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एम से मल्टीप्लाई किया, दूसरी तरफ भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब राइट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, एल एच एस एंड आर एच एस दोनों तरफ जो है एम से मल्टीप्लाई कर दिया.
लेफ्ट हैंड हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखें यहाँ पर ये 2m into k काइनेटिक एनर्जी m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m स्क्वायर कहाँ से है, ये m का मल्टीप्लाई किया, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडरस्टैंड, m से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसको मतलब है सेटिस्फाइड करने के लिए इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए m स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, एम एम का मतलब, अब एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाए, पी स्क्वायर हो जाए, वो इसकी वैल्यू यहाँ रखती है, पी स्क्वायर एम स्क्वायर पी स्क्वायर, ये क्या होगा, मोमेंटम का स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर, तो 2m into ke = p2। अब इसको जो है 2m को जो रिप्लेस कर दिया, 2m साइड चेंज कर दिया, 2m जो है इस तरह का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो p² upon 2m, तो काइनेटिक एनर्जी जो है जितना मोमेंटम है उसका स्क्वायर कर दिया जाए और उसका जो है जो 2m मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ड्राइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड इट्स मोमेंटम, ये काइनेटिक एनर्जी और उसके मोमेंटम से क्या हुआ, रिलेशन हुआ, यू अंडरस्टैंड, समझे इसको अच्छी तरह से। हाँ यहाँ देखेंगे इसमें क्वेश्चन है ये, राइट द फॉर्म ऑफ एनर्जी पजेस्ट बाय द बॉडी इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ सिचुएशन दी हुई है उनमें बताना है किस प्रकार के इसमें जो एनर्जी है, तो इसमें देखेंगे कि कौन है, एक कोकोनट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, अब कोकोनट जो है ऊपर से गिर रहा है, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो वहाँ से गिर रहा है, गिरने पर क्या है, किस प्रकार की एनर्जी होगी, भाई मोशन है उसमें, तो किस प्रकार काइनेटिक एनर्जी, इसमें आंसर जो है एक आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए बी का आंसर, एन ऑब्जेक्ट रेज टू ए सर्टेन हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके कुछ ऊंचाई पर ले गए, वहां पर रखा हुआ है कुछ ऊंचाई पर, तो क्या होगा, एक सिचुएशन होगी वहां पर, एक कंडीशन वहां पर जो है उसकी एक पोजीशन हुई, तो इस सिचुएशन के कारण उसमें एक एनर्जी हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज ब्लोइंग विंड, हवा चल रही है, हवा चल रही है, इसका तो मोशन है, तो मोशन के कारण उसमें एनर्जी है, किस प्रकार एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, सी काइनेटिक एनर्जी, एन डी, ए चाइल्ड ड्राइविंग ए बाइसिकल और रोड, जानते हो इसमें स्विंग मोशन है, रोड पर जो बाइसिकल चला रहा है तो मोशन, तो मोशन तो किस प्रकार की एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी, यस, इस प्रकार से डी में भी काइनेटिक एनर्जी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे क्वेश्चन तो बन सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से, एग्जांपल और ऐसे ही मतलब जो है ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबा दिया जाए है तो उसमें एक एनर्जी मतलब जो है उसमें हो जाएगी वो, और तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, इसी प्रकार से नदी का बहता हुआ पानी उसमें किस प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, अब ये मैकेनिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती रहती, ट्रांसफर होती रहती किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, जैसे मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर ला रहे हैं तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ऊपर उसमें होता जा रहा है तो वहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, रोक दिया गया है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में जो है कन्वर्टेड होती रहती है, तो इस प्रकार से ये काइनेटिक एनर्जी, और इस प्रकार से मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना, तो काइनेटिक एनर्जी और भी इसके एग्जाम्पल होंगे, उन एग्जाम्पल को अच्छी प्रकार से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, मेहनत करिए आगे बढ़िए, इस प्रकार से चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर
एंड बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आकर के मिलते हैं। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। ओके।